कोल का शॉर्टेज बीच में थोड़ा शॉर्टेज तो हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, बारिश के कारण और इंटरनेशनल प्राइस अचानक ज़बरदस्त बढ़ गए, 60 रुपीज़ टन पर टन से 190 रुपीज़ टन हो गया। इसके कारण लगभग इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट थे तो उस लगभग अभी 15-20 दिन से लगभग बंद हो गया है, नहीं तो बहुत कम प्रोडक्शन कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इसके कारण हमारा जो कोल इंडिया और ओवरऑल डोमेस्टिक कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था, और जो रेगुलर रेनफॉल होता है, बारिश होता है, उससे बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी कोल एरिया में हुआ था। इसके कारण थोड़ा कमियत तो हुआ था, लेकिन अभी बारिश कम हो गया है। हम कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है, ये इतिहास में दिस इज दी एवर हाईएस्ट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कोल फ्रॉम एस्टरडे। स्टॉक हैज़ इंक्रीज, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट टू बी नोटेड। मुझे लगता है अभी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जब सप्लाई करते जाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी स्टॉक बढ़ेगा। ऐसे कोई पैनिक, ऐसे स्थिति बिल्कुल नहीं है, इतना मैं कहना चाहता हूँ।